नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जॉब वैकेंसी अपडेट्स के अंदर। तो आज के लिए जो नोटिफिकेशन आउट किया गया उसके बारे में बात करेंगे, जो कि इनकम टैक्स भर्ती के बारे में है, कैसे इसके लिए अप्लाई करेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलता रहेगा और समय रहते आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसीज़ की बात करूँ तो और बहुत सारी वैकेंसी हैं जिनको आप हमारी वेबसाइट जाके चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट्स के लिए जुड़ रहिएगा हमारे साथ हर एक अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर और वहीं पे चल के बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी कोई भी डाउट है आपके मन में तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उसके लिए सिंपली गूगल में जाके आपको जो है हमारी वेबसाइट पर जाके भी कमेंट कर सकते हैं और हमारी वीडियोज़ के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये जो नोटिफिकेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से है, जिसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो ऑफलाइन आपको अप्लाई करना होगा और ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। इसके लिए 18,000 से लेकर 1,42,400 आपकी जो है सैलरी इसके अंदर रहने वाली है। बहुत अच्छी स्टार्टिंग सैलरी है ये एक आपके लिए जिसके रहने वाली है। और इसके लिए अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी है जो आपको पे नहीं करनी है। अगर आपसे मांगी जा रही है, कोई आपको कॉल करके पैसे मांग रहा है तो मत पे करिएगा, क्योंकि किसी तरह के पैसे आपसे नहीं मांगे जाते हैं, ना ही डिपार्टमेंट मांगता है। सो मत पे करिएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसके अंदर पोस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहली पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, जिसके लिए 18,000 से लेके 56,900 आपकी सैलरी जो है वो रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट बात करूं तो इसके अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की है, जिसके लिए 44,900 से लेके 1,42,000 तक आपकी जो है सैलरी रहने वाली है। उसके बाद टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, ठीक है जी, और जिसके लिए आपकी सैलरी 25,500 से लेके 81,100 जो है वो रहने वाली है। सो इसके लिए जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसके लिए 10th 12th वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई इसके लिए कर पाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो इसके लिए आपकी कैसे सिलेक्शन कैसे होनी है, तो आपकी सिलेक्शन जो है सबसे पहले तो इंटरव्यू, देन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे जो है वो होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसके अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके साथ आपका ये मांगा गया है कि आपकी जो अलग से किसी भी गेम में है, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपकी जो है जैसे बताया सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होने, कोई भी अदर मोड नहीं है, तो यहाँ पे आप फॉर्म देख सकते हैं, यहाँ पे आप डाउनलोड कर पाएंगे। और इसकी जो वैकेंसीज हैं वो आपकी जुलाई के लास्ट वीक में मिलने वाली हैं, वो नोटिफिकेशन जल्दी आउट होगा। और इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया है, आपकी जो है किसी भी गेम में क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, मतलब जैसे आपने नेशनल खेला है, इंटरनेशनल खेला है, किसी भी वैकेंसी किसी भी गेम में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो जितने भी कैंडिडेट हैं जिनकी मतलब अगर मैं कह सकूं कि क्वालिफिकेशन है गेम किसी में भी, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है तो सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो ये था आज का नोटिफिकेशन जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से है। अब मैं आपको मिलूंगा नई नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद जी।